अलीकडे जनता नेते मंडळी आणि कार्यकर्ते भाजपकडे आकर्षित होत आहेत, तर त्याचं कारण हे जाणून घेणं गरजेचं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वामुळे प्रभावित होत अनेक जण भाजपामध्ये जात आहे असं विधान विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मत व्यक्त केलं आहे. आणि म्हणूनच मुळाचे आरोप करणं, जजमेंट मध्ये काय चुकलेलं आहे हे न सांगणं सोयीस्कर आहे, परंतु मला खात्री आहे मी दिलेला निर्णय अत्यंत शाश्वत आणि अत्यंत जस्टिफाईड आहे, त्यामुळे आता कुठलाही बदल होणार नाही. राहुलजी, आपके खिलाफ एनसीपी के दोनों पार्टियां जो है अदालत पहले देखिए, अदालत में जाना हर एक व्यक्ति का अधिकार है. यदि किसी को किसी ऑर्डर से वो असंतुष्ट है, उसे यदि लगता है कि उसका फंडामेंटल राइट इससे अफेक्ट हुआ है, वो अदालत जा सकते हैं. उस पर ना मैं रोक डाल सकता हूँ, ना आप डाल सकते हो. लेकिन अदालत में याचिका दाखिल की, यानी मेरा निर्णय गलत हुआ है, इसका मतलब ये नहीं होता. मेरा निर्णय ये लीगली टेनेबल, सस्टेनेबल और जस्टिफाइड निर्णय है. ये निर्णय मैंने संविधान में जो प्राविधान है उनके आधार पर, जो विधानसभा के इस विषय के नियम है उनके आधार पर, मेरे सामने जो एविडेंस रखा गया था उसके आधार पर लिया गया निर्णय है. और ये निर्णय देते वक्त मैंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हर एक पॉइंट का रेफरेंस दिया है, और वो कैसे जस्टिफाई होता है इसके बारे में भी मैंने अपने निकाल में, निर्णय में बताया है. और इसीलिए मैं समझता हूँ केवल निर्णय प्रक्रिया के ऊपर प्रभाव डालने के लिए ऐसे आरोप किए जाते हैं, लेकिन मैं ऐसे आरोपों से प्रभावित नहीं होता. मैं कानून के दायरे में रहकर जो प्राविधान है उसके आधार पर ही निर्णय देता हूँ. जहाँ तक आरोप करने का सवाल आता है, आप जानते हो जब इलेक्शन कमीशन ने कुर्सी पार्टी के अपेक्षा के अनुसार निर्णय दे दिया, तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर गलत बयान किया गया, कोर्ट्स के ऊपर गलत बयान किया गया, स्पीकर के ऊपर गलत बयान किया. जो जो इंस्टीट्यूशन इनके मन के खिलाफ निर्णय देती है उस इंस्टीट्यूशन को ही टारगेट करते हैं. अमीन भाई आपके साथ दिखाई दे रहे थे इनकमिंग और भरने वाली है. देखिए, भारतीय जनता पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी आकर्षित हो रहे थे, और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व से प्रभावित होकर उनके नेतृत्व को पूरे देश में माना गया है, देश में सेलिब्रेट किया गया है. उसी तरह अनेक नेताओं को भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना था, और पिछले कई दिनों से वो जुड़ रहे हैं. लेकिन अमीन पटेल जी का इससे कोई पॉलिटिकल संबंध नहीं था. मेरे साथ वो एक मंच पे थे क्योंकि हमारे दोनों की कंस्टिट्यूएंसी से जो जे फ्लाईओवर जाता है उसके नीचे के गार्डन स्पेस को ब्यूटिफाई करने का प्रोजेक्ट कल हमने उसका आरंभ किया, और क्योंकि वो दोनों के विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ था इसलिए वो मेरे साथ एक मंच पे थे. इसका कोई भी राजनीतिक संबंध नहीं है.